हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं और इस वीडियो में हम क्विक रिव्यू करेंगे और आपको अपना फाइनल एक्सपीरियंस बताएंगे अबाउट द उषा क्वार्ट्स हीटर। तो इसमें जो है दो हेलोजन रोड्स लगी हुई हैं और इसका जो मॉडल है QH-3002, यानी कि ये जो है आपको ऑनलाइन जो है अमेज़ोन पर अराउंड 1250 के आसपास मिल रहा है। तो आप चाहो तो हमारे दिए हुए लिंक से इसको अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं। तो प्राइस जो है 1240 है। लेट्स सी क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी MRP जो है, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो, 1600 रुपये इसकी MRP है। और इसमें जो है पावर कंज्यूम करता है ये 400 वाट, 800 वाट। अगर आप एक रोड जलाएंगे तो 400 वाट, अगर आप दोनों एक साथ जला देंगे तो 800 वाट ये बिजली खाएगा या कंज्यूम करेगा। तो हमें जो है इसको लिए हुए 2 से 3 साल हो गए हैं और हमने जो है इसके साथ कोई हमें कोई बैड एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट जो लिमिटेशन होती है रोड वाले हीटर की, वही लिमिटेशन है। और हम कहना चाहेंगे कि ये जो हीटर है, इसकी जो डिज़ाइन है या क्वालिटी है, हमें काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको हम पास से दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं। तो इसके और क्या क्या फीचर हैं, अगर कुछ बेनिफिट वगैरह, स्लीक एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। फ्रंट ग्रिल फॉर सेफ्टी, यानी कि जो ग्रिल है फॉर द सेफ्टी। इंडिकेटर लैंप है इसमें, ये वाला जो है लैंप है इसमें लगा हुआ है। 1 साल की इसके साथ आपको वारंटी मिलेगी। 2 हीटिंग पोजीशन है इसमें, आप चाहो तो एक रोड जला सकते हैं, दो रोड जला सकते हैं। और टिप ओवर स्विच फॉर द सेफ्टी। तो ये वाला जो अगर आपको हम दिखाएं, देखिए ये वाला जो है बहुत ही एक सेफ्टी बटन होता है। अगर ये बाय चांस गिर जाए चलते चलते तो घर में किसी प्रकार की आग ना लगे, कोई नुकसान ना हो, तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है ये सेफ्टी बटन है। अगर आपको आप इसको टेढ़ा कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और हैंडल फॉर द पोर्टेबिलिटी, तो इसके साथ हैंडल है। मोस्टली आपको आजकल हर एक कंपनी में ऐसा ही डिज़ाइन मिल जाएगा, बिल्कुल डिट्टो होता है, जस्ट ब्रांड का थोड़ा सा नाम बदल दिया जाता है। बट हम फिर भी कहते हैं कि जो उषा का जो ये हीटर है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप इसकी बॉडी देखिए, इसका जो स्टाइल देखिए आप, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो है थोड़ा सा जो हमने बताया था वही सारा इसमें डिटेल है। तो अब जो हम आपको ये चला कर दिखाते हैं कि ये हमारा हीटर कैसा है। तो प्राइस वाइज जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप लेज़र ब्रांड का लेंगे या किसी दूसरे ब्रांड का खरीदेंगे तो वो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, वो आपको 1000 या 1100 का आसानी से मिल जाएगा। बट उषा की जो चीज़ है अच्छी क्वालिटी की होती है, तो थोड़ा बहुत प्राइस इनका ज़्यादा होता है। तो अब जो है हम आपको इसके कंट्रोलर बताते हैं। यहाँ से तो ये ऑफ हो जाएगा, 1 पर आप करोगे तो ये एक रोड जल जाएगी, अगर 2 पे आप करोगे तो 2 रोड चल जाएगी। ज़्यादा इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। तो अब जो हम इसको ऑन कर देते हैं, तो हमने ऑन कर दिया है और अब देखिए ये लाइट इंडिकेटर नहीं ऑन हुआ। अब जो हम इसमें 1 रोड ऑन कर देते हैं तो ये हमारा 1 रोड स्टार्ट हो गया। और हम जो है देखते हैं कि हमारे जो कमरे का जो पोल्यूशन बता रहा है, PM2.5 जो लेवल है वो भी हम देख रहे हैं कि काउंट करेंगे। मोस्टली कई लोगों को हीट कन्वर्टर हो या आपके हेलोजन टाइप जो हीटर होते हैं उनसे हेडेक होती है और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और ये दिक्कत हमारे साथ भी है, तो हमें भी परेशानी होती है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप अगर लेना ही चाहते हैं तो हमेशा ऑयल हीटर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ऑयल हीटर नहीं ले सकते तो फिर आप एक अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी का जो है
क्वार्ट्स हीटर ले सकते हैं। अब जो हम ये दूसरी रोड भी ऑन कर देते हैं और आपको जो है हम इसका टेम्परेचर भी बताएंगे। तो हमने जो है टेम्परेचर स्टार्टिंग में नोट किया था कि कमरे का टेम्परेचर कितना है, हम फिर देख लेते हैं। पहले जो है 18.7 दिखा रहा था और अब जो है हमने जस्ट इसको चलाए हुए दो मिनट भी नहीं हुए, मोस्टली एक मिनट कह सकते हैं, लेस देन वन मिनट हुआ। तो अब जो हम चेक करते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है रोड का ख़ास तौर पर। तो ये देखिए रोड के अभी आसपास का टेम्परेचर ये बता रहा है 154.2 सेंटीग्रेड। अब ये देखिए हमने रोड के अंदर पे टेम्परेचर मेज़र करने की कोशिश करी है, अब जो है इसका टेम्परेचर जो है 387 के आसपास है। ये देखिए तो इतना हाई टेम्परेचर चला जाता है। पहले वाली रोड चल रही है, उसके बाद ये दूसरी रोड जली है और हम दूसरी रोड का भी देखते हैं टेम्परेचर। तो दूसरी रोड का भी आया नहीं, दूसरी रोड का टेम्परेचर अभी जस्ट 190 के आसपास है। हम पुरानी ऊपर वाली रोड का जो है टेम्परेचर देखते हैं तो 444 टेम्परेचर है, वो भी जस्ट 3 मिनट में। और अगर हम अपना एयर क्वालिटी देखें तो ये 240 के आसपास ही है। पोल्यूशन तो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा डिवाइस नहीं है कि जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारे कमरे में कितनी मॉइस्चर कम हो रही है या कितनी ऑक्सीजन कम हो रही है। तो हम जो है वी होप जैसे जैसे हमारे चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट गैजेट जो है मंगवाएंगे जिससे हम आपको बता सकें कि हीटर चलाने से आपके कमरे की कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ख़त्म हो रही है। तो अब जो है मैं चलाए हुए इसको 3 मिनट हो गया और अब जो है हम देखते हैं कि रोड का टेम्परेचर कितना जा रहा है। अब जो है ये वापस 250 दिखा रहा है जो कि होना नहीं चाहिए। तो ये है तो इसका टेम्परेचर जो है 400 के आसपास चला जाता है। और अब जो है हम बात करते हैं कि हीटिंग कैसी है। तो ये दो रोड वाला हीटर जो है छोटे कमरों के लिए ही फिट रहता है। तो अगर आपका कमरा जो है अगर छोटा है मिनी है तभी ये हीटिंग कर पाएगा। अगर आपका कमरा बहुत बड़ा है हॉल टाइप है तो आपको 3 रोड वाला हीटर लेना चाहिए। और अगर आपका बजट ज़्यादा बड़ा है तो आजकल जो है रोटेटरी वाले हीटर आते हैं जो मूव करते रहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर गर्मी फैलाते हैं। और अगर आपको ये हम पास से दिखाएं तो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं इसका बिल्ड है। हमें इसको लिए हुए मोर देन 3 साल हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। और इवन जो है हम ज़्यादा हीटर चलाते नहीं हैं बट इसमें कोई ऐसी हमें कोई फॉल्ट नहीं आया। हमने अमेज़ोन पर मतलब कई लोगों के कमेंट्स देखे कि ये 1 महीने में ही ख़राब हो जाता है, 1 महीने में जो है इसकी रोड ख़राब हो जाती है, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। और अगर बाय चांस इसकी रोड ख़राब भी हो जाए तो आप बाज़ार में ले जाइए, 50 रुपये में ये बदल दी जाती है। और इसमें जो है ये भी बताया गया कि इसका जो डिज़ाइन है इसमें जो है ऐसी मतलब कोटिंग की गई है जिससे इस पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगेगा। इवन हमें 3 साल हो गए तो हमारे इस हीटर में आप देख रहे होंगे कोई मतलब जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगा और बिल्कुल ही कह सकते हैं नया जैसा ही है। तो ये था ऑल अबाउट। तो इस प्रोडक्ट का जो नाम है उषा क्वार्ट्ज हीटर QH-3002। तो मोस्टली हीटर में हमें बताने लायक तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट यही है कि ये इसके कंट्रोलर हैं, इसके नीचे एक सेफ्टी बटन होना चाहिए। और मोस्टली जब भी आप कोई रूम हीटर ले उसकी बॉडी ज़रूर चेक कर ले कि बॉडी कैसी है, मजबूत है कि नहीं, क्योंकि ये रोड्स तो ऑलमोस्ट सभी की सेम होती है, गर्मी भी लगभग आपको सेम ही मिलेगी बट जो बिल्ट होती है बॉडी होती है मोस्टली वही ज़्यादा डिफरेंस पैदा करती है या कैसा लुक है कैसा डिज़ाइन है, तो वो ज़्यादा इसमें मायने रखता है। तो हम जो है जाते जाते फिर आपको टेम्परेचर दिखा देते हैं। तो ये देखिए 450 ऊपर वाली रोड का और नीचे वाली रोड अभी भी
वो भी 450। तो मैक्सिमम जो है इनका टेम्परेचर जो है 430 या 440 के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये हमें लगता है कि ये सिर्फ छोटे छोटे कमरों के लिए ही है। अगर आपका कमरा बड़ा है तो आप इस बड़ा 3 वाला लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमारी तो एडवाइस यही है कि आप हीटर लेना ही है तो ऑयल बेस्ड हीटर ले, जिससे आपको बिजली की भी बचत होगी और हेल्थ कॉन्शियस है, जैसे जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या जिनके पेरेंट्स हों, या लोगों को डायबिटीज़ है या किसी भी सांस प्रकार की दिक्कत है, उनके लिए जो है ये हीटर थोड़ा बहुत दिक्कत पैदा करते हैं, उनमें हेडक की कईयों को दिक्कत आती है, तो इनके साथ थोड़ा बहुत हेल्थ इशू बना रहता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। हम वीडियो में लिंक डालेंगे तो वहाँ से आप चाहो तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आपको लोकल मार्केट में भी 1200 रुपये के आसपास ही पड़ेगा। अगर आपको लोकल नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो इसमें जो है हमें लगता है कि इसने चलाने के बाद जो है थोड़ा बहुत एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि हमारा ये डिवाइस ये नहीं बता रहा कि ये हमारे कमरे की मॉइस्चर ख़त्म हुई है कि नहीं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है कि नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास इतने हाई टेक जो है डिवाइस नहीं है। वी होप आने वाले टाइम में जैसे जैसे ऐसे डिवाइस ऑनलाइन मिलने लगेंगे तो हम उनका ज़रूर कोशिश करेंगे, जिससे आपको एग्जैक्ट डेमो बता सके कि ये डिवाइस जो है कितनी मॉइस्चर ख़त्म कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन ख़त्म करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।